बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉट ऑफ फैंस लविंग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं शो में, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच, मुझे इंस्टा पे काफ़ी मैसेज आते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। और आप जो मेहनत करके वीडियोस बनाते हो, मैसेजेस करते हैं, थैंक यू सो मच। हम मेहनत करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। ओके, आपकी जो कैरेक्टर है काफ़ी अच्छा है, शहीद सर के साथ भी आपका काफ़ी है, जीजा जी और सालिक रिश्ता, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं ये रिश्ता। ओके, सयूरी की अगर हम बात करें क्या होने वाला ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्योंकि सयूरी भी लग रहा है कि नहीं आएगी, काफी समय तक फैंस को वेट करना पड़ेगा, क्या कहना चाहोगे उसके लेके? देखिए, अभी तो इंतज़ार करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इंतज़ार करोगे तो उसका फल बहुत मीठा मिलेगा। तो सैवरी आएगी तो वापस ज़रूर, शायद, पता नहीं। लेकिन आप तो शादी करवाने में लग चुके हैं शहीर की, क्या कहना चाहोगे इसके लेके? शादी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सैवरी को भूल जाए, उन दिल और दिमाग से निकाल दे और उनकी दूसरी शादी हो जाए और कोई ऐसी लड़की मैं खुद ढूंढ के लाऊँ जिस पर मैं कंट्रोल कर सकूँ, जिसको मैं अपने इशारों से नचा सकूँ। तो बस यही प्लान है मेरा, अपने हिसाब से कोई लड़की ढूंढ के लाऊंगी। ओके, आने वाले दिनों में कुछ अपकमिंग ट्विस्ट इसके अलावा कुछ आप बता सकें? अपकमिंग ट्विस्ट तो यही होगा कि शायद सांची और विक्रांत की शादी हो जाएगी या नहीं होगी, या फिर काना की शादी होगी या नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता। और दूसरी बात ये कि रश्मि को सच पता चलेगा कि नहीं, ये भी देखने का। ओके, आज शहीद सर का गाना है एरिका फर्नांडिस के साथ, क्या कहना चाहोगे? काफी लोग पसंद कर, नहीं देखा आपने, लेकिन तभी भी उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है। डेफिनेटली, मैंने भी उनका शो देखा था और उनकी बहुत क्यूट जोड़ी है, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। ओके, आखिर में वन लवली मैसेज टू योर फैंस। फैंस को तो मैं आई लव यू कहूंगी, थैंक यू सो मच, और आप प्लीज देखते रहिए हमारा शो, हम मेहनत करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।